हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ आर डूइंग वेल। एंड मैं आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट के बारे में बताने वाला हूँ आपको, कि मतलब आप कम पैसे में कितना अच्छा डाइट खरीद सकते हो, एज अ चीपेस्ट डाइट आपको कैसे मिल सकता है, मैं आपको आज अपने वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो आता है फर्स्ट एक नंबर पे आता है तो हमारा एग होता है। जब एक की बात किया जाए तो आप जब एक का कंपेयर वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन से करोगे तब आपको पता चलेगा कि वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन के अंदर 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आप एक एग से बात किया जाए तो एक एग का प्राइस होता है ₹6। तो ₹6 एक का प्राइस होता है, तो एक एक के अंदर 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो आप 4 अंडे खाओगे तब आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इधर 4 अंडे और 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन दोनों इक्वली है, आपको मतलब एक्सपेंसिव वे प्रोटीन्स वगैरह वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नेचुरल मिलने वाले एग आपके नियर बाय शॉप पे 100% मिलते होंगे, तो वैसे आप 4 एग खाओ तो आपको 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन इजीली मिलेगा। तो आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोटीन खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हमारा सेकंड डाइट है, वो है सोया चंक। सोया चंक की बात किया जाए तो सोया चंक आपको दुकान में इजीली चीप प्राइस में मिलता है। उसका प्राइस होता है ₹10 में 100 ग्राम ऑफ सोया आपको मिलेगा। तो 100 ग्राम ऑफ सोया में आपको 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो आप सोया खाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रोटीन मिलेगा। आप सोया चंक की बात किया जाए तो उसके अंदर 0 फैट होता है, मतलब आपको जो भी मिलेगा उससे प्रोटीन इंटेक ही मिलेगा, 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तो आपको कितना प्रोटीन लेना जरूरी होता है डेली बेसिस पे, मतलब आपका जितना बॉडी वेट है, इफ बॉडी बिल्डर इज देयर, कोई भी एथलेट हो जो कंपटीशन खेलने की तैयारी कर रहा है, तो उसको तो आपके वेट से डबल प्रोटीन लगेगा। कोई भी मतलब नॉर्मल बंदा है जो जिम करता है, उसको उसके बॉडी के वेट के हिसाब से प्रोटीन लगेगा। मतलब नीड नहीं कि आप ज्यादा खाने की, बस आपका जितना वेट है उसे थोड़ा भी कम प्रोटीन खा लिया तो भी चलेगा, इट्स मोर देन सफिशियंट। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट भी कम पैसों में आता है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता। चिकन ब्रेस्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मैं डेली खाने में चिकन ब्रेस्ट यूज करता हूँ, डेली नीड होती है मेरी बॉडी की। मैं डेली बेसिस पे 600 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ, तो उसके मेरे 3 मील होते हैं, 200 ग्राम के 3 मील होते हैं। तो आप इजीली आपको वह भी एक चिकन शॉप पे आपको प्रोटीन सोर्स मिलेगा जो चिकन ब्रेस्ट होता है। आप चिकन ब्रेस्ट की प्राइस में भी ज्यादा नहीं, मिनिमम 60 या 17 रुपीज होगा, तो आप इजीली उसको परचेस कर सकते हो, इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अब आती है नेक्स्ट बात, जो मेजोरिटी लोग कहते हैं कि प्री वर्कआउट में क्रिएटिन वगैरह लेना चाहिए, तो आपको बताऊं मैं चिकन ब्रेस्ट और एग के अंदर 0.4 ग्राम ऑफ क्रिएटिन अवेलेबल होता है। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप जितना इनटेक बाहर से एक्सपेंसिव करोगे तो आपका मनी वेस्ट हो जाएगा, तो आप जितना चाहे नेचुरल चीजों पे फोकस किया करो, उससे आपकी बॉडी और ही बेटर रिस्पॉन्स करेगी। तो चीप प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा डाइट मिल सकता है, तो आप ट्राई कीजिए ये चीजें खरीदने की। तो यही थी आपकी चीपेस्ट प्राइस वाली मील, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मतलब जो फ्रेंड्स मतलब एक्सपेंसिव डाइट नहीं खरीद सकते उनके पास ये वीडियो भेजो, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।